बोला वाप ने तुरंत मार देगी डांड, उसने नहीं किसी की कान। बाबा जी तने नहीं जाने वा सह तेरी करड़ाई, ले तो मुठी चून चलिया जा इसमें तेरी भलाई। तने समझा के मैं होली तंग, इब ना दिखे तेरे बचने का ढंग। हट छोड़ के चाट मेर सिंह रट चिया राम रघुराई, ले दो मुठी चून चलिया जा बस इसमें तेरी भलाई। लेकिन जद कर ली क्योंकि गुरु का आदेश था, भिक्षा तो सुंदरा दे के हाथ की चाहिए थी। बहुत समझाया, बहुत देर तक जद्दोजहद बनी रही दोनों की, लेकिन हार थक के निवली बाबा कोशिश करू थी चाहू थी कि बारे बच जा, लेकिन खोदे तू अपनी जान का दुश्मन बने हाँ तो मेरे बस की बात को ना। इब वाय आवागी तरह भिक्षा का लगा और जाके सारी बातें उस बांदी ने जब सुंदरा देखो बताई कि बहुत अड़ियल किस्म का साधु और तेरे हाथ की भिक्षा की जिद कर रहा बेबे, जा तू मंगा लिया। अब उस सुंदरा ने आते का थाल लिया और खूनी देगा हाथ में ली, क्योंकि 1700 साधुओं ने मार चुकी थी। वहां नीचे आई और जब दूर से पुनमल को देखा, सजन बहुत सुंदर था और कुछ साधु का रूप बागमा में स्तन पे और स्वर्ग से लकड़ा दिखा। आज से वो आरते की थाली गिर जाती है और तलवार भी छूट जाती है। जब सुंदरा देने साधु तो नजर में लाई, आज से आरते का थाल गिरा, वो तेगा गिरी और जाकर देख लिया, पूछा कि आप कौन है, क्या आपके हाथ की भिक्षा चाहिए। मेरे सतगुरु का आदेश है। कौन आपका सतगुरु? के गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से मेरा नाम पूर्णमल है, ज्योति पुरुष हूं और तेरे हाथ की भिक्षा चाहिए। तरती चुस्कारी सुंदरा देने भगवान का सफर किया कि हे परमात्मा, जिस दिन के इंतजार में बैठी थी मैं और बड़ा अन्याय मेरे से होया, उसकी माफी भगवान से मांग के और पूर्णमल को आपने मेरे सामने भेजा, मैं तेरी शुक्र गुजार हूं। युवा ने भीतर आ जा के नहीं देवी, मेरे को आपके हाथ की भिक्षा चाहिए, बहुत समय हो गया ना तो मेरा सतगुरु मारेगा। तो एक बात में हाथ जोड़ कर पूर्णमल सुंदरा दे से प्रार्थना कर रहा है और क्या कहता है, पुगाना हो और तेरे हाथ की रक्षा ले तेरे मैं जाना होगा। तेरे सतगुरु का रे सुंदरा मन पूर्ण पुगाना हो, तेरे हाथ की रक्षा ले तेरे मताना होगा। तेरे हाथ मताना होगा, तेरे हाथ की रक्षा ले तेरे मताना होगा। सुंदरा मन पर्ण ने मारा होगा, तेरे हाथ की भिक्षा ले तेरे में जाना होगा। बहुत देर होगी मैंने यहाँ पर आए, अगर और ज्यादा देर लगा दी मेरे सतगुरु गुस्से होंगे, तू जल्दी से भिक्षा गाल। क्या कहा मैंने, आदेश तड़ना
सम्मानित शहीद कवि जाट महसूल समिति बरौना 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे मित्र बड़े अच्छे कलाकार भाई राजेश कुमार जी नंदल ओहर गांव से 100 रुपए पहले 100 रुपए और 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं। नंदल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। क्या लिखा दूसरी गली में क्या लिखा है? आईबी से इंस्पेक्टर नवीन जी काजल साहब, रविंदर जी काजल, छोटू राम की जयंती की खुशी में 100 रुपए की पार्टी का मान सम्मान करते हैं। काजल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। क्या लिखा है? समिति का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित श्री हरिओम जी खत्री, जगवीर सिंह जी बादली बड़े अच्छे संस्कृति प्रेमी है, सतपाल सिंह जी कौशिक साहब कैथल से, और भाई समुन्दर सिंह बुधवार, सारे भाई जो इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे सुन रहे हैं, 500 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है, धन्यवाद। क्या कहा थे? सजनों, जब सुंदरा देव पे पूर्ण मल की नजर पड़ी और पूर्णमल ने सुंदरा देव को देखा, न्यूके लगी आपके इंतजार में सारा समय बता दिया, और मैंने तो आपके साथ विवाह संस्कार शादी करनी, अपना जीवन साथी बनाना, ये नहीं इसे चक्कर में तो निकल कर आया हूं मैं, यो एक काम मेरी मौसी ने भी मेरे साथ करना चाहा था, लेकिन देवी मेरे को माफ कर, मैं इस काम से बहुत दूर हूं, विचार करता कभी परमात्मा ने वही टाइम फेर गिर दिया हूं। Yeah.
त्रिपाठी साहब रहमरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम की जयंती की खुशी में 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हमारे पास धन्यवाद है। और ये भाई जी श्याम सुंदर जी भगत म्यूजिक चैनल रोहतक 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद चौधरी राजवीर सिंह जी बड़क साहब शहीद कवि जाट महेश सिंह की श्रागिनियों को खुश होकर और दीन बंधु छोटू राम जयंती की खुशी में 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बड़क साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद क्या कहा जाट महेश सिंह की कविताई की विशेषता रही है, मैं पहले भी बार बार मैं बताया करूं इस बात में कि जमींदारे के घर से उसका जन्म था और परिवार बिल्कुल इसके विपरीत था, जो गाना बजाना जिस चीज का जाट महेश सिंह को शौक था वो नहीं चाहते थे इस काम को, लेकिन खटक खटक ऐसी चीज वो है माँ बाप को परिवार को दन करार करके और इस चीज में रुचि दिखाई और फिर फौज में भर्ती हो गए, गोली चल लिया करती और भी कविताई लिखा करते और ऐसी कविताई जो सुन ले तो राम का नाम लेने की जरूरत को ना, ऐसी कविताई चौथी कली में अपना दुखड़ा रोया करते चाहे फौज का जिक्र हो चाहे जमींदारे का हो और चाहे घर का हो, रात में प्रोग्राम करके रागनी गाकर तड़के जब सुता उठा ना करता तो खास कर नुकारता बाप ने नहीं बख्शा भाई, आंख में से लाठी आ गई चाहे डंडा आ गया चाहे कुछ भी आ गया न्यू ना देखा कितना करा मैं फेड़ा फेड़ फेड़ा फेड़ समारा जाया करता, तो इस चौथी कली में वो दुखड़ा रो रखे आज आंख में चिंग क्या खेड़ी जटकाव से भाई जगदीर सिंह जी फौजी जो रायपुर बैठे हैं और आज के अपने इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं, भाई 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद किया जाता है। सिसाए गांव से संजू जो हमारे शिष्य हैं इशार बैठे हैं वो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं, 200 रुपए पहले 100 रुपए और 300 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। क्या अंतर सुनिए चौथी गली ये रोया दुकड़ा पड़ा का महीना